दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस साल का विश्व कप 2019 जो है वो आसानी से जीत जाए, तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। आपको बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचने के लिए भारत को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की चुनौती जो है उसको पार करना होगा। दोनों टीमों के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 9 जुलाई को खेला जाना है। भारत अंक तालिका में 15 अंकों के साथ टॉप पर है और भारत की रन रेट भी काफ़ी अच्छी है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास 11 पॉइंट है। वास्तव में यह मुकाबला भारत के बल्लेबाजों रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के बीच होगा। पहली बार न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, इन सब का मुकाबला जो है वो भारत के बैट्समैन के साथ होगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने इस विश्व कप में टॉप फॉर्म में है। वो 5 शतक बना चुके हैं और कुल 657 रन वो अभी तक बना चुके हैं। इस मैच में बहुत कुछ रोहित शर्मा पर निर्भर करेगा। उधर न्यूजीलैंड के स्ट्राइक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट 15 विकेट लेकर खुश हैं। विश्व कप के पहले वार्म अप में भी बोल्ट ने भारत को काफ़ी झटके दिए थे। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट के बाद वनडे के टॉप गेंदबाज बन गए हैं। वो अभी तक इस टूर्नामेंट में 17 विकेट ले चुके हैं। डेथ ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। दूसरी तरफ केन विलियमसन भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक वो 2 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। वो 481 रन बना चुके हैं। वहीं बुमराह के आक्रमण से केन विलियमसन का जो बैटिंग का फॉर्म है उसका मुकाबला देखना और काफ़ी रोमांचक होगा। आपको बता दें कि रॉस टेलर न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की रीढ़ है। हालांकि उन्होंने केवल 2 अर्धशतक जमाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने कप्तान के साथ कई अहम भागीदारियां की है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज का मैच जो है वो काफ़ी रोमांचक होने वाला है। अगर धोनी ऑफ स्पिनर मिशेल शैंटनर के खिलाफ रन बनाने में सफल रहते हैं या इंडिया बीच के ओवर में अच्छा खासा रन स्ट्राइक रेट के हिसाब से अच्छा खासा रन बना लेता है, तो इंडिया आराम से 300 का रन जो है वो पार कर जाएगा। दोस्तों, अगर पिच की बात करें तो ये जो मैच है ये पूरी तरह से एक नए पिच पर खेला जाना है। ये पिच जो पिच है ये पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इस पिच में कैसा मैच होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि सेमीफाइनल मैच में क्या होने वाला है? क्या भारत आसानी से जीत जाएगा या ये जो मैच है ये काफ़ी रोमांचक होगा? आप अपना जो ओपिनियन है, आपका जो कमेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर। और दोस्तों, 3 बजे आ जाएगा मैच देखने के लिए, बिकॉज मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये मैच देखने के लिए। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।